लेट्स सी जी, वहां से स्टार्ट करते हैं। सर स्क्रीन शो हो रही? नहीं शो रही। नहीं नहीं सर। राइटर के बारे में हमने तारफ कल पढ़ लिया था और आज हमने जो कल स्टोरी हमने रेगी थी उसमें वो अपने बाप के पास जाता है और बाप उसका नॉस्टैल्जिक है। आपने देखा होगा हाउ मेनी अमंग अस यू हैव देयर ग्रैंड पेरेंट्स, नाना बू दादा किन के घर होंगे आपके पास, तो आपने देखा होगा कि वो अक्सर अपने पुराने जमाने की बातें करते हैं। आपको कहते हैं पुत्र तुसी की करना ऐसी कर दे रहे हैं काम, तुसी तो 10 बजे सुते उठते हो, तुसी की काम करना, ऐसे होता है कि नहीं होता? और सम टाइम वो अपने हालात जिंदगी बताते हुए बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं जो आमतौर पे मुमकिन नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन नेचर है कि व्हेन ही ग्रोस ओल्ड शी ग्रोस ओल्ड शी बिकम नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक कहते हैं कि जो अपने माजी को याद करता हो। तो ऐसे बुढ़ापे में अक्सर लोग जो ना नॉस्टैल्जिक होते हैं, अपने बुढ़ापे को याद करते हैं। तो ये भी ओल्ड मैन है, वो अपने जो ना पुराने जमाने को याद करता है। वो 70 इयर्स की एज में भी बड़ा हार्ड वर्किंग था। और वैसे भी दुनिया में ये स्टडी है, एक रिसर्च है, हर आने वाली जनरेशन पहली जनरेशन से मस्कुलर वीक होती जा रही है। यानी कि अगर हम एक मैं स्टडी पढ़ रहा था कि पिछली नस्ल से ये नस्ल जो है ना 40% मस्कुलर वीक है। आप देखते हैं हमारे यहाँ अक्सर प्रॉब्लम जो है ना वो फिजियो के रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं लोगों को। तो यानी कि वैसे भी एक कुदरती बात है कि लोग फिजिकली स्ट्रांग थे क्योंकि वो फिजिकली वर्क ज्यादा करते थे। अब लोग मेंटली वर्क ज्यादा करते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं तो फिजिकली वीक हो जाते हैं। ये नेचुरल फिनोमेनन है और जितना किसी मसल को ज्यादा इस्तेमाल करे उतना ही ज्यादा वो स्ट्रेंथन होता है। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम है। जी आगे देखते हैं, वहां पे वो जाता है जहां पे उसने 3 सब्जियां उगाई हुई हैं। वहां पे हिकरी चीज है, ये अखरोट टाइप अमरीकी अखरोट भी कुछ डिक्शनरीज के मुताबिक उर्दू तर्जमे की डिक्शनरी में लिखा हुआ है। फ्रूट आपके सामने है या फल आपके सामने है, उसको उनके बाग में वहां पे हिकरी ट्रीज भी थे जिनको देख के राइटर को, जो कि फर्स्ट पर्सन नरेटर है, जो कि पहले नरेशन हम 2 तरह की होती है, एक थर्ड पर्सन नरेशन होती है और एक फर्स्ट पर्सन नरेशन होती है। जब हम आई और वी का इस्तेमाल करते हैं तो ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है, और जब वो या किसी का नाम लेके स्टोरी बनाते हैं तो ये थर्ड पर्सन नरेशन है। फर्ज करो आपने कहानी पढ़ी होगी, आपने कहा कि स्टीवर्ड वॉज एन एजेंट ऑफ अ कंपनी, इस तरह से अब ये कौन सी नरेशन होगी? जी थर्ड पर्सन नरेशन। जिस तरह से पर्सन प्रोनाउन होते हैं उसी तरह से ये नरेशन का नाम भी थर्ड पर्सन है। अगर मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ कि मैं बचपन में बड़ा शरारती हुआ करता था ये इस तरह से, तो ये कौन सी नरेशन होगी? फर्स्ट पर्सन नरेशन। याद रखिएगा जो फर्स्ट थर्ड पर्सन होता है ये ऑब्जर्वर होता है, जो ऑब्जर्व कर रहा होता है अपने इर्द गिर्द की चीजों को, और जो थर्ड पर्सन जो फर्स्ट पर्सन होता है ये अपना इनर को रिफ्लेक्ट करता है, यानी अपनी फीलिंग अपनी सोच को बयान करता है। तो ये 2 तरह की नरेशन हमें मिलती है जितनी भी स्टोरी राइटिंग होती है या नॉवल है, ये सभी में जो ना वो इस तरह की होगी। जो किसी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में हो वो बायोग्राफिकल होता है, और अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में हो तो वो ऑटोबायोग्राफिकल होता है। ये 2 डिस्टिंक्शन है। जैसे कायदे आजम की लाइफ लिखा जाए तो ये थर्ड पर्सन नरेशन होगा, फर्स्ट होगा? थर्ड पर्सन होगा। और उसमें क्या होगा, उसमें उसकी लाइफ के बारे में बयान करना, ये कौन सा कौन सी स्टोरी होगी, बायोग्राफिकल होगी ऑटोबायोग्राफिकल होगी? बायोग्राफिकल। और कायदे आजम खुद अपनी आप बीती लिखते, खुद नविश्त जिसको हम उर्दू में कहते हैं, तो फिर ऑटोग्राफिकल।
ठीक हो गया जी। अब जरा देखिएगा वहां पे उसे स्क्विरल्स नजर आती है, गुलहरियां, वो खा रही हैं, फ्रूट खा रही हैं। वो उस पे याद करता है किस तरह से वो उनके नीचे जब वो बैठते थे दरख्तों के नीचे तो उनपे वो फेंकती थी गुलहरियां खा खा के, वो फॉल जो शेल होता है उसका या कवर होता है छिलका होता है उसको वो फेंकती थी। और उसके बाद वो याद करता है किस तरह से एक दफा 6 साल की उम्र का था तो वो हल जो ना उसके बाप ने उसे बना के दी छोटी सी लकड़ी की, तो ये तो खैर बड़ी है, छोटी सी हल बना के दी, लेकिन वो जो नाली नहीं होती जो अगर आपने कोई सम वन इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर तो वहां पे नाली नहीं होती जिसको नाला जिसमें पानी लेके जाते हैं, या आपने सब्जी वगैरह होती है उसमें नालियां बनी होती हैं जिसमें हम पंजाबी में कहते हैं खेला बनाइया हुई, तो ये वट्टा बनाइया हुई, तो दिस दैट वो नाली में कहीं पे उसकी हल्क होगी छोटी सी तो उस पे भी बड़ा रोया। वो किस तरह से अपने बचपन को याद करता, और आज आप भी देखेंगे आप अपने बचपन को याद करके वो बड़ा इंजॉय करते हैं, फील करते हैं आपने उस बचपन को, इनोसेंट लाइफ को फील करते हैं। जैसे आपने एक मशहूर गजल सुनी होगी, वो कागज की किश्ती वो बारिश का पानी, बंदे छीन ले मुझसे मेरी जवानी, मुझे लौटा दे वो बचपन की यादें। तो ये जो है ना वो दिस इज व्हाट, ये इंसान की नेचर है, इंसान बड़ा डेलिकेट है अपनी सोच के एतबार से, अपनी फीलिंग के एतबार से। आप देखते हैं हमारी जिंदगी चंद फीलिंग के गिर्द घूमती है और हम पूरी पूरी जिंदगी उस फीलिंग के लिए लगे रहते हैं। आपके पेरेंट्स जो है ना वो सारा सारा दिन काम करते हैं फीलिंग क्या है, मैंने अपने बच्चे को क्या है अच्छा मुस्तकबिल देना है, तो है तो ये सारा का सारा ड्रिवन किससे है, इंसान फीलिंग से ड्रिवन है। अगर आप बच्चे की मोहब्बत ना होती तो सपोज वो काम करता है इतना कभी भी नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन फीलिंग है, हम सारे काम अच्छा, हम दूसरों से डिस्टिंग क्यों होना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो प्राइड की क्या है फीलिंग है, हम समझते हैं दूसरों से मैंने बेहतर होना है, हमारे अंदर एक प्राइड की जो है ना वो है, प्राइड एक लिमिट तक वो इंसान की ब्यूटी है इंसानी जिंदगी की। हम क्यों अच्छा मुस्तकबिल लेना है, हमने क्यों दूसरों से ज्यादा पैसे कमाने हैं, दूसरों से क्यों मुमताज होना है, क्योंकि हमारे अंदर एक डिस्टिंक्शन रखी है अल्लाह ताला ने फीलिंग की, वो क्या है, वो प्राइड की फीलिंग है। तो इंसान असल में है ही इन फीलिंग का कॉम्बिनेशन है, जो उसको बचपन में याद, आप देखिए आप अपने गाँव जाते हैं जो लोग शहर आ चुके हैं तो अब गांव जाते हैं तो वहां पे अगर आप वहां पे पैदा हुए हैं तो अगर बचपन गुजारा है तो यू फील अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस व्हेन यू गो देयर बिकॉज यू आर योर मेमोरीज आर एसोसिएटेड। इंसान अपनी यादों को हमेशा क्या होगा रिमेम्बर करके वो हमेशा इंजॉय करता है। तो सिमिलरली केस इज विद दिस राइटर एज वेल एज हिज फादर, तो वो भी बूढ़ा आदमी यानी उसका बाप जो है वो भी यादें पुरानी यादों में इंजॉय करता है और उस वो राइटर जो है वो भी वो उसको इंजॉय करता है। फिर वो मजीद याद करता है किस तरह से हमारी वो जरखेज जमीन होती थी, एक बड़ा जो ना ये बैरल है आपको पता है अमेरिकन यूनिट है उसकी वॉल्यूम की, अमेरिका में गैलन और बैरल चलते हैं यानी लिट 5.5 आई थिंक जो है वो लीटर की बैरल होती है, 4.5 सॉरी वो होता है गैलन होती है और बाकी 210 और 200 वाला जो ना वो बैरल होता है। तो वो बताता है कि उसका बाप उसे बता रहा है कि किस तरह से हम बड़ी जरखेज जमीन पे काम करते थे और वो जरखेज जमीन से एक एक बैरल से कई हमने एक एक गट्ठे से जिसको आप फिर आई वुड लाइक टू हैव द एग्जाम्पल फ्रॉम द एग्रीकल्चर जिसको हम पंजाबी में पांड नहीं कहते पांड परी, तो वो इतना वो गट्ठा जो होता है उस गट्ठे से एक बैरल से ज्यादा वो अजनास हासिल करता है, तो वो किस तरह से उसको बताता है। फिर वहां पे बड़ी ही घने जंगलात हैं, वहां पे इतने घने जंगलात हैं कि वो 60-60 फीट लंबे दरख्त हैं और कुछ दरख्त कटे हुए हैं, तो ये सारी बातें वहां पे कटे हुए दरख्त के तने पे जिसको स्टंप कहते हैं आपको पिक्चर में नजर आ रहा है वहां पे बैठ के वो क्या करते हैं बातें करते हैं। ये तो था उसका ओवरव्यू जो हम चैप्टर हम अभी पढ़ रहे हैं। टोटली चूंकि यादों में मबनी है, जैसे मैंने बताया कि इंसान नॉस्टैल्जिक होता है जब भी वो अपने बचपन को याद करता है, अपने गुजरे हुए वक्त को याद करता है, और जैसे मैंने ये कॉमन एटीट्यूड बताया जो ओल्ड पीपल का कि वो अपने
थोड़ी सी गप भी मारते हैं, बड़ी बड़ी बना के भी करते हैं, इनफैक्ट उनके पास वो होता नहीं है कोई जो उनकी बात सुने, तो फिर वो इंटरेस्ट पैदा करते हैं अपनी बातों में और कुछ मुबालगा राय भी करते हैं। वो कहते हैं मतलब कि ये इंसान की नेचर है कि अपने अपने आप को बयान करते हुए इंसान अक्सर एग्जैजरेट करता है। आप दो लोग बात कर रहे हो तो आप किसके बारे में बात करना पसंद करते हैं, अपने बारे में बात करो, मैं कीता। तो दिस इज अ वेरी कॉमन साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। लेट्स सी जी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पेज नंबर 11, कलरिंग इन द स्काई, बुलंदोबाला साफ किया हुआ जमीन का टुकड़ा। मैंने बताया था इन द स्काई जो है ये मेटाफोरिकल है, यानी कि ये बुलंदी के लिए इस्तेमाल हुआ है। दिस इज द रेजेस सेड माई फादर पॉइंटिंग विद हिज केन। केन कहते हैं ये बैत की छड़ी को, अक्सर आपने बुजुर्गों के हाथों में छड़ी देखी होगी एक लकड़ी की, उसको आजकल तो एल्युमिनियम की आ रही है, उसको बैत की छड़ी कहते हैं। ये आपने फिल्मों ड्रामों में अक्सर नवाबों के हाथों में जो ना वो छड़ी देखते हैं, तो वो भी बैत की छड़ी होती है, बड़ा महंगा महंगी लकड़ी है। अक्रॉस द डीप वैली, अब क्या होगा अक्रॉस का मतलब होता है उस पार, डीप वैली का मतलब निशेबी वादी, जो नीचे हो, निशेबी वादी बिलो अस, हमसे निचली सतह पे, चढ़ कहाँ पे रहे थे वो पहाड़ पर, और वहां से उनको क्या नीचे नजर आ रही है, वादी नजर आ रही है। जरा इमेजिन करेंगे तो आसान हो जाएगा तर्जमा इसका। अब हमने पहले कहा कि तर्जमा किसका करना है, रिपोर्टिंग क्लास का। रिपोर्टिंग क्लास सेड माई फादर, तो मेरे वालिद मोहतरम ने, लेकिन इसके साथ आगे फ्रेज अपॉइंटिंग विद हिज केन अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, तो फिर हम उस फ्रेज के लास्ट से शुरू करेंगे। शायद मेरे वालिद साहब ने हमसे निचली तरफ, बिलो अस, हमसे निचली सतह पर, अक्रॉस द डीप वैली, उस क्या होगा निशेबी वादी के उस पार, पॉइंटिंग विद हिज केन, अपनी बैत की छड़ी से इशारा करते हुए कहा, दिस इज द वे, जस्ट ये रास्ता है। क्लियर हो गया? दोबारा से मैं कर रहा हूं, मेरे वालिद मोहतरम ने हमसे निचली सतह पर निशेबी वादी की उस पार अपनी बैद की छड़ी से इशारा करते हुए कहा, जैस ये रास्ता है। अब जैस जो है ना यहाँ पे वोकेटिव केस है, वोकेटिव केस कहते हैं जब किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल करें, तो ये मैंने पहले ही बताया था बुलाने के लिए, दिस इज द वे जैस, तो इस तरह से हम उसको शुरू में आ जाए तो बाद में कॉमा लगाते हैं, एंड पे आ जाए तो पहले कॉमा, और दरमियान में आ जाए तो पहले भी और बाद में भी कॉमा इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया जी पहला सेंटेंस? आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, ये एक क्लॉज है आपकी, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले सब्जेक्ट का तर्जमा, फिर हम प्रेडिकेट के लास्ट पे चले जाएंगे। मैं, यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। यू हैवंट सीन फॉर मेनी इयर्स, जो तुमने कई सालों से नहीं देखा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जो तुमने कई सालों से नहीं देखा। फॉर मेनी इयर्स, जब मेनी इयर्स आ जाए तो ये कौन सा टेंस हो जाता है, फार सिंस फार आ जाए या टाइम आ जाए साथ में, तो फिर कौन सा टेंस बन जाता है, परफेक्ट भी हो सकता है और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये क्लैरिफाई कर लें, मुझे पता है आपको सिर्फ ये पढ़ा है कि परफेक्ट कंटिन्यूस ही होता है, ये परफेक्ट भी होता है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं 10 दिन के से शकरगढ़ में हूँ, कैन एनीबडी टेल सर, दोबारा, आई हैव बीन इन शकरगढ़ फॉर 10 डेज। जी, आई हैव, मैं 10 दिन से शकरगढ़ में हूँ, उसका तर्जमा क्या होगा, आई हैव बीन, हैव जो ना वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और बीन उसकी थर्ड फॉर्म है बी की, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परफेक्ट टेंस भी हो सकता है और परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है। जैसे क्या होगा, इमरान खान ने 2018 से पाकिस्तान को लीड किया है, तो क्या इंग्लिश होगी, इमरान खान हैज लेड पाकिस्तान सिंस 2018 हो गया। तो यहाँ पे हमने परफेक्ट टेंस भी हो सकता है और परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, ये दोनों में परफेक्शन, परफेक्शन का मतलब भी क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो कुछ टाइम से एक्शन जो है वो अब तक काम क्या हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है, जैसे मैंने आपको टेंस की इंडिकेशन में बताया था। जी, मैं तुम्हें तो कुछ दिखाना चाहता हूँ जो तुमने कई सालों से नहीं देखा। Isn't too hot for you to do much walking? ये जरा एक्सप्रेशन समझ लेना है, डबल टू का एक्सप्रेशन होता है। ये एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं कि जब नेगेटिव सिचुएशन हो तो तब हम इस्तेमाल करते हैं।
जैसे जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं कहता हूं कि वो ताकतवर है और आपकी मदद कर सकता है, तो क्या होगा? ही इज वेरी पावरफुल टू हेल्प यू या ही इज टू पावरफुल टू हेल्प यू? वेरी होगा, क्योंकि वेरी का मतलब है कि वो पॉजिटिव मीनिंग में। अगर कोई हेल्पफुल है, पावरफुल है, तो वो हेल्प करेगा या नहीं कर सकता? वो कर सकता है, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। लेकिन अगर नेगेटिव रिलेशनशिप हो तो फिर हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? डबल टू का इस्तेमाल करते हैं। एक क्वेश्चन है, मसलन अगर मैं कहता हूँ कि वो गरीब है और बाइक नहीं खरीद सकता, तो फिर क्या इंग्लिश होगी? बाइक या बाइसिकल। तो क्या गर्मी बहुत ज्यादा नहीं है कि आप ज्यादा पैदल ना चले? क्या गर्मी आपके लिए गर्मी इस कदर ज्यादा नहीं है कि आप ज्यादा पैदल ना चलें? I wiped the stream of sweat. Stream कहते हैं पसीने के जो कतरे होते हैं, जो आपको पता है गर्मियों में पसीना बह रहा होता है, तो उसको स्ट्रीम कहते हैं। करंट भी कह सकते हैं, फ्लो भी कह सकते हैं। आप स्वेट, ये स्वीट नहीं पढ़ना है, उसको स्वेट पढ़ना है। एक स्वेट होता है पसीना, स्वीट मीठे को कहते हैं, ये एडजेक्टिव है, और स्वीट्स मिठाई को कहते हैं। फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, टू कीप देम, आंखों को बचाने के लिए, फ्रॉम स्टिंगिंग माई आईज, मेरी आंखों में जलन पैदा करना। स्टिंग का मतलब होता है जलन पैदा करना, जैसे आपने देखा होगा वो जो क्या होगा बेड़ काटती है, तो उसके लिए वो स्टिंगिंग का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो स्टिंग का मतलब है चुभना, हर्ट करना, पेनफुल होना, फ्रॉम माय आईज। और आप जरा देखिए, वाइप का मतलब पूंछ कर साफ करना होता है, जैसे आपने वाइप से निकला है वाइपर, तो घर में नहीं जो होता है जिससे साफ करते हैं फर्श को, तो उसको वाइपर कहते हैं हम, वैसे पंजाबी में वेपर ही कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वर्ड वो वाइप से निकला है, वाइपर होता है साफ करने, मतलब पूंछ के साफ करने को वाइप कहते हैं, जिसको रगड़ के साफ करने को कहते हैं। तो मैंने, अब सब्जेक्ट का तर्जमा, फिर उसके बाद उस प्रेडिकेट के लास्ट पे चले जाएं। मैंने, अब लास्ट पे चले, फ्रॉम स्टिंगिंग माई आईज, अपनी आंखों को जलन से बचाने के लिए, टू कीप देम फ्रॉम, अपनी आंखों को जलन से बचाने के लिए, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, क्या होगा? स्ट्रीम ऑफ स्वेट, पसीने के कतरे पूछ, मैंने अपनी आंखों को जलन से बचाने के लिए अपने चेहरे से पसीने के कतरे पहुंचे। I didn't want to go with him. मैं उनके हमरा नहीं जाना चाहता था। didn't के बाद आपको पता है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी। I had just finished walking a half mile. मैंने अभी अभी खत्म किया हाफ माइल, आधा मील सफर, अपहिल पहाड़ी रास्ते पर से। अपहिल का मतलब जो पहाड़ पर से चले। From my home, अपने घर से, to his, उनके घर तक। तो पहले सब्जेक्ट का तर्जमा, मैंने, क्या होगा फिर लास्ट पे चले जाएं उस प्रेडिकेट के, From my home to his, क्या होगा? अपने घर से उनके घर तक, अपहिल पहाड़ी रास्ते पर से, a half mile, आधा मील पैदल सफर खत्म किया। मैंने अभी अभी अपने घर से उनके घर तक पहाड़ी रास्ते में से आधा मील पैदल सफर खत्म किया। अब यहाँ पे जस्ट इस्तेमाल हुआ, तो जस्ट किसका इंडिकेटर होता है, कौन से टेंस का? जी परफेक्ट टेंस का होता है। परफेक्ट टेंस का इंडिकेटर होता है कि अभी अभी काम हो गया है, वो पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है। और ये दूसरी एडवर्ब की पोजीशन आपने देख लेनी है, जो इस तरह के एडवर्ब है फ्रीक्वेंसी वाले, वो वर्ब से पहले लगते हैं, सब्जेक्ट के बाद लगते हैं। बास्केट का पता टोकरी होती है, मॉम माँ के लिए। मैं, क्या होगा? अब जरा देखिएगा जी, लास्ट पेज, क्लास के लास्ट पे चले जाएंगे। मैं माँ के लिए खानों की टोकरी लेके गया था। डिशेस से मुराद प्लेटे नहीं कह देना, क्योंकि प्लेटें जो ना माँ ने क्या करनी थी, ये खाने के लिए वो लेके जा रहा है। तो अक्सर इसका हेल्पिंग बुक्स में तर्जमा जो है ना, प्लेटें किया हुआ, दैट्स रॉन्ग। क्या होगा ये, जैसे नहीं हम कहते आज क्या डिश बनाई हुई है, तो सिमिलरली ये इसका मीनिंग जो है खाने होगा। मैं माँ के लिए खानों की टोकरी लेके गया था। देर वर टू स्लिप्स। अब यहाँ पे देखे, मॉम जो है इसके लिए द मॉम नहीं लिखेंगे, या द मदर या द फादर नहीं लिखेंगे।
क्योंकि मदर और फादर जो है ना वो नॉन रिलेशनशिप होते हैं, जो नॉन रिलेशनशिप हो गया वहां पे स्पेसिफाई नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं होगा स्पेसिफाई हम तब करते हैं जब मल्टीपल रिलेशनशिप हो या मल्टीपल कैरेक्टर हो उनमें से एक को आपने स्पेसिफिक करना। अगर आप द फादर जो है वो अगर कहेंगे तो इसका मतलब है कि अब्बे बहुत सारे हैं उनमें से आप किसी खास फादर की बात कर रहे हैं। अगर द मदर के साथ भी सेम सिचुएशन होगी, बड़ा बड़ा अब्बा निक्का अब्बा वो हो सकता है, वो डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन जो है वो फादर और मदर जो है ये नॉन रिलेशनशिप होते हैं, इनके साथ हम दा नहीं लगाते। ठीक हो गया जी। तो मैं माँ के लिए खानों की टोकरी लेके गया था, देयर वर टू स्लिप्स इन द रोड, सड़क पे। अब देर का इंडिकेट है, मैंने बताया था देर का तर्जमा करते हैं नहीं करते, शुरू में जब देर आ जाए नहीं करते जब इंडिकेटिंग इंडिकेटर प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल करें तो इसका तर्जमा नहीं करते। देर वर टू स्लिप्स इन द रोड, तो क्या होगा अब क्योंकि इसका तर्जमा नहीं हुआ तो बिलास पे चले जाएंगे। इन द रोड, सड़क पर दो जगहों फिसलन थी या दो जगहों पर डलवानी रास्ता था, ऐसे भी कह सकते हैं, या दो जगहों पर फिसलन थी। ये ऑन द रोड होगा, इन द रोड नहीं होगा, प्रीपोजिशन करेक्ट कर लें, ये आपको एंटी टेस्ट में आ सकता है कि देयर वर टू स्लिप्स इन द रोड, ऑन द रोड, एट द रोड, ऑफ द रोड, इस तरह से आपको एमसीक्यूज आ सकता है। एंड आई कुडंट ड्राइव माय कार, और मैं अपनी गाड़ी ना चला सका। गाड़ी ना चलाने की वजह क्या है? और अपने बाप के पास, बाप के साथ जाना नहीं चाहता, तो उसकी क्या रीजन है? और यहाँ पे भी एक और चीज दिखाना चाह रहा है कि ये डिफरेंस ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द प्रीवियस जनरेशन एंड द प्रेजेंट जनरेशन, दोनों का फर्क भी बता रहा है। एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज, मैं जानता था, एक क्लॉज है, मैं जानता था हाउ हॉट इट वॉज कि गर्मी किस कदर से आता है, मैं जानता था कि गर्मी किस कदर ज्यादा है। अब यहाँ पे देखें ये क्या होगा, आई न्यू, मैं जानता था। अब ये एक क्लॉज है आपकी, मेन क्लॉज है, और हाउ हॉट इट वॉज ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। और इसमें स्ट्रक्चर देखें, इट पहले लगाया और वॉज बाद में लगाया, वैसे हम इंट्रोगेटिव जनरल सेंटेंसेस में वॉज पहले लगाते हैं। ये चूंकि ये नाउन की क्लॉज है, यहाँ पे एज ए नाउन क्लॉज एक्ट कर रही है, क्योंकि मैं जानना वर्ब हो गया, कौन जानता है, मैं जानता हूँ, किसको जानता हूँ, हाउ हार्ड इट वॉज, ये पूरा का पूरी नाउन क्लॉज जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल की गई है, इसलिए इसको हम नाउन क्लॉज भी कहते हैं। क्लॉज में स्ट्रक्चर हमेशा सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में आएगा, इंट्रोगेटिव भी और क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। इट वॉज 97 इन द शेड, दर्जा हरारत 97 डिग्री फारेनहाइट था, ये इन द शेड ऐसे भी कह सकते हैं कि साये में 97 डिग्री दर्जा हरारत था, ये फॉरन हीट मुराद होगा क्योंकि फॉरन हीट में ही, वरना 97 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो सकता। आई न्यू दैट फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल, मैं जानता था कि जनवरी से लेके अप्रैल तक, शुरू में आ गया ये माई फादर हैड गॉन से पहले पहले आ गया, माई फादर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो उससे पहले प्ले था, मैं जानता था, एक लॉस है दैट फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल, जनवरी से लेके अप्रैल तक My father had gone to 8 different doctors. मेरे वालदे मोहतरम, अब लास्ट पे चले जाएं इस क्लास के, 8 different doctors, 8 मुख्तलिफ मौलजीन के पास जा चुके थे। मैं जानता था कि जनवरी से लेके अप्रैल तक मेरे वालदे मोहतरम 8 मुख्तलिफ मौलजीन के पास जा चुके थे। One of the doctor had told him not to work the left stomach sitting long. अब सब्जेक्ट के तर्जमा पहले करना, one of the doctors, मौलजीन में से एक ने, डॉक्टर भी कह सकते हैं, ज्यादा बेहतर है कि आप उसको मौलजीन कहें, मौलजीन में से एक ने उन्हें, आप क्लास पे चले जाएं उस क्लास के, वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, एक शहरी ब्लॉक जितनी या एक शहरी मोहल्ले जितनी भी मुसाफत पैदल तय करने से मना किया था। वॉक द लेंथ ऑफ द सिटी ब्लॉक, मौलजीन में से एक ने उन्हें एक शहरी ब्लॉक या एक शहरी मोहल्ले जितनी पैदल मुसाफत चलने से मना किया था। अब वन ऑफ द डॉक्टर्स, वन ऑफ द डॉक्टर के बाद सब्जेक्ट आपका डॉक्टर्स है या वन है? जी वन डॉक्टर, वन वन, ठीक है, वन सब्जेक्ट है आपका। एक और चीज याद रखनी है कि वन आउट ऑफ हमेशा प्लूरल होता है, वन ऑफ द डॉक्टर नहीं कहेंगे, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। वन ऑफ द डॉक्टर्स होगा, वन ऑफ द गर्ल्स होगा, वन ऑफ द बॉयज होगा, वन ऑफ द क्या होगा, अर्थ होगा, वन ऑफ द स्टार्स होगा।
तो ये इसके वन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। मौलजीन में से एक ने उन्हें क्या होगा शहरी मोहल्ले या ब्लॉक जितनी मुसाफत भी पैदल तय करने से मना किया था। He told my father to get a taxi to take him home। अब पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करना, उसने, अब लास्ट पे चले जाएं, क्या होगा टू टेक हिम घर जाने के लिए, टू गेट अ टैक्सी, एक टैक्सी ले जाने का, उसने मेरे वालिद मोहतरम को घर जाने के लिए एक टैक्सी ले जाने का बताया था। उसने क्या होगा मेरे वालिद मोहतरम को, या क्या होगा ऐसे कह सकते हैं, घर जाने के लिए टैक्सी ले जाने का बताया। भाई बट माई फादर वॉकड होम 5 miles अक्रॉस द माउंटेन, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम क्या होगा, अब पहले सब्जेक्ट फिर लास्ट पे चले जाए, अक्रॉस द माउंटेन पहाड़ के उस पार से। अक्रॉस हम तब कहते हैं सड़क के एक किनारे पे खड़े हूं तो सामने आपके दूसरी किनारे पे कुछ शॉप हो तो आप कहते हैं कि वो शॉप जो है अक्रॉस द रोड है, यानी कि रोड के उस पार है, तो अक्रॉस का प्रीपोजिशन समझ लेना है उस पार मुराद होता है। लेकिन मेरे वालिद मोहतरम पहाड़ के उस पार 5 miles होम, घर की तरफ पैदल 5 mile पैदल सफर किया, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम ने पहाड़ के उस पार से 5 mile घर की तरफ पैदल चला क्या का सफर किया। एंड टोल्ड मॉम, और माँ को बताया, व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, के मौलज ने उन्हें क्या बताया, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम ने पहाड़ के उस पार से 5 mile पैदल घर की तरफ सफर तय किया और माँ को बताया कि मौलज ने उन्हें क्या बताया। अब यहाँ पर देखिएगा टोल्ड द मॉम, ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस, और व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, जो डॉक्टर ने कहा वो पहले एक्शन हुआ या जो माँ को बताया वो पहले एक्शन हुआ, जो डॉक्टर ने पहले डॉक्टर ने बताया फिर उसने मां को बताया, तो जो पहले एक्शन होगा वो कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट टेंस होगा। ये याद रखिएगा कि बेशक आपके साथ उस टेंस में बिफोर आफ्टर ना भी लगे, फिर भी हम क्या है वो पहले वाला जो टेंस होता है वो किस टेंस में लिखेंगे, वो परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। जैसे अगर आपको कहूँ कि आई एम सॉरी, तो आप क्या होगा, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड होगा या आई हैव डन, क्योंकि अब से पहले एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो जो एक्शन की कंप्लीशन होती है वो किस टेंस में लगाते हैं, परफेक्ट टेंस में लगाते हैं। 40 years ago 40 साल कबल डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग, एक मौलज ने उन्हें यही बात बताई थी, 40 साल कबल भी एक मौलज ने उन्हें यही बात बताई थी। जी बताइएगा दी इसमें कौन सी मिस्टेक है, सिर्फ क्योंकि अगो किसका इंडिकेटर होता है, पास्ट इंडेफिनिट का होता है। 40 साल कबल भी एक मौलद ने यही बात बताई थी, एंड ही हैड लिव्ड टू रेज द फाइव फैमिली ऑफ 5 children, हैड लिव्ड है जिंदा रहे थे, यानी के मतलब वो टू रेज, रेज का मतलब पालना होता है, उठाना होता है, अ फैमिली ऑफ 5 children 5 बच्चों के खानदान, और वो अब लास्ट पे चले जाए क्या होगा, 5 बच्चों के खानदान की कफालत करने के लिए, अब हमने कह रहा सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट क्लास पे चले जाना है, और वो 5 बच्चों के खानदान की कफालत करने के लिए जिंदा रहे थे। He had done as much work in those years as any man. उन्होंने क्या होगा, जिस कदर को आदमी, अब लास्ट पे चले जाए, एज एनी मैन, जिस कदर को आदमी काम कर सकता था उन सालों में मशक्कत की थी। उन्होंने जिस कदर को आदमी कर सकता हो इन दो years, उन सालों में done as much hard work, उस कदर ज्यादा मुशक्कत की। I couldn't protest to him now. मैं अब उनसे उनकी मुखालफत नहीं कर सकता था, मैं अब उनकी मुखालफत नहीं कर सकता था। प्रोटेस्ट के दो मतलब होते हैं, ऑब्जेक्ट करना भी होता है और किसी का मुखालफत अपोज करना भी होता है। मैं अब उनकी मुखालफत नहीं कर सकता था। He had made up his mind. उन्होंने अपना जहन बना लिया था, यह इरादा कर लिया था। Make one's mind, ये idiom है, इसका मतलब होता है इरादा करना, intend करना, make one's mind. उन्होंने इरादा कर लिया था, when he made up his mind, जब किसी to do a thing, पहले subject के तर्जमा, जब वो, अब last पे चले जाएं, to do a thing, जब वो किसी काम को करने का इरादा कर लेते, जब वो किसी काम को करने का इरादा कर लेते, he would do it, वो इसे कर गुजरते, जब वो किसी काम को करने का इरादा कर लेते, वो इसे कर गुजरते, फिर हैड टू क्रॉल इट, चाहे उसके लिए उन्हें रींगना ही क्यों ना पड़ता। क्रॉल का मतलब क्रीप, जमीन के साथ रगड़ते चलना। अब देखें कौन सी कंडीशन इस्तेमाल की गई है यहाँ पे, वैन वाली क्लॉज में कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, मेड है, और मेन क्लॉज में वुड के साथ इस्तेमाल किया, तो कौन सी कंडीशन है, और ये भी याद रखना है कि वैन के साथ भी वही फॉर्मूला होगा जो क्लॉज के साथ इस्तेमाल होगा।
जैसे जब मैं फैसलाबाद से आऊंगा तो मैं आपको आपसे मिलूंगा, क्या इंग्लिश होगी? जी when I came to Sugar then I when I came. Return when I return from फैसलाबाद या come from फैसलाबाद I will meet you या I shall meet you. यहाँ पे मैंने बताया मिलूंगा, ये फर्स्ट कंडीशन थी. तो अब when वाली क्लॉज में भी सेम फार्मूला इस्तेमाल करना है, when वाली और until वाली और दूसरी जनरल डिपेंडेंट क्लॉजेस है. Let's see. वो जब वो किसी चीज को या किसी काम को करने के इरादा कर लेते वो उसे कर गुजरते चाहे उसके लिए उन्हें रींगना ही क्यों ना पड़ता. He didn't care. वो इस बात की परवाह नहीं करते. It was 97 in the shade. कि साये में दर्जा हरारत स्थान में फारेनहाइट हो और 16 बिलो जीरो या -16 दर्जे. इस बात की परवाह नहीं करते कि दर्जा हरारत स्थान में फारेनहाइट हो या -16 दर्जे. ऐसे भी कह सकते हैं या साये में साथ में ला के कर सकते हैं. I wiped more sweat from my face. मैंने अब लास्ट पे चले जाएं from my face अपने चेहरे से मजीद पसीना पूंछा. मैंने अपने चेहरे से मजीद पसीना पूंछा. वाइप के साथ ये ज़हन में रखना है. अगर इसके सिनोनिम में आपको वाइप रब भी आ जाए और उसके बाद क्लीन भी आ जाए तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? रब. रब अवे होगा. ठीक है, ये क्लीन भी हो सकता है, रब अवे. रब अवे इसका राइट ऑप्शन होगा. मैंने अपने चेहरे से मजीद पसीना पूछा. As I followed him down the little path between the pasture and meadow. Pasture कहते हैं चरागा, सब्जार चरागा को और मीडो कहते हैं सब्जार को. दोनों ग्रासी फील्ड होते हैं. एक में ग्रेजिंग होती है, मीडो में ग्रेजिंग नहीं होती, वो ब्यूटी के लिए होता. लिटिल पाथ कहते हैं पगडंडी को. जैसे गांव में जाएं तो खेतों के दरमियान से या पहाड़ पे जाएं तो छोटे छोटे रास्ते बने होते हैं, पगडंडी उसको कहते हैं. लिटिल पाथ और डाउन का मतलब नीचे, फॉलो का मतलब पीछे कर, पीछे जाना. जो ही मैं आए हैं फिर लास्ट पे चले जाए. बिटवीन द पास्टर एंड मीडो, चरागा और सब्जाजार के दरमियान, चरागा और सब्जाजार के दरमियान छोटी सी पगडंडी पर नीचे की तरफ उनके पीछे हो गया. मैंने अपने चेहरे से मजीद पसीना पूछा जब मैं चरागा और सब्जाजार के दरमियान छोटी सी पगडंडी पर नीचे की तरफ उनके पीछे चल पड़ा. क्लियर हो गया बच्चों? ये तो था. आगे देखिए जरा, पहले एक्सरसाइज करते हैं. वोकैबुलरी नाउन का मैंने बता दिया किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं. कैन और कैन जो है कैन करना है, और कैन जो है ना वो एक लकड़ी है. स्वीट स्वीट और स्वेट का भी मैंने फर्क बता दिया. ये परफेक्ट टेंस का भी मैंने बता दिया कि जब सिंस फार आ जाए तो वहां पे क्या होता है, परफेक्ट टेंस लगाते हैं. जैसे ही इज इन क्लास है तो ये इसके साथ होगा. अगर 10 बजे से है तो क्या होगा, फिर हम हैज बिन लगाएंगे. इसी तरह से अगर ही लिव्स होगा, ही हैज लिव्ड हियर फॉर 10 मंथ्स होगा. आगे चलते हैं हम टू और वेरी का जरा फर्क देखना है हमने किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं. ही इज टू पुअर या वेरी पुअर टू बाय अ हाउस? टू पुअर होगा. ही इज वेरी या टू क्लेवर टू डिसीव एनीवन? टू क्लेवर. टू क्लेवर तो होगा, डिसीव करेगा कि नहीं करेगा? वेरी क्लेवर. वेरी क्लेवर होगा जी. टू वीक या वेरी वीक? टू वीक. टू वीक होगा. और क्या होगा, वेरी कॉस्टली या टू कॉस्टली? वेरी कॉस्टली. नहीं, खरीदा जा सकेगा नहीं खरीदा जा सकेगा? टू कॉस्टली. टू कॉस्टली जी. उसके बाद वन ऑफ द, देखिएगा जरा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज या हैव? हैज. एवरी वन ऑफ द गर्ल्स वाज या वर? वाज. वाज. एनीवन? वाज. एनीवन इज होगा. ईच ऑफ द टू मिनिस्टर्स? डजंट. डज नॉट. जी, जस क्यों नहीं जाना चाहता था अपने बाप के पास साथ? Want to go? चाहता था नहीं जाना चाहता था? नहीं जाना. तो क्या बनेगा? He didn't want to go. Just didn't want to go with his. Just didn't want to go with his father because जी exhausted था. He was exhausted. और जो walk किया वो पहले था. Exhausted उस वक्त था ना? तो वो पास्ट इंडेफिनिट में आ गया. जो उससे पहले एक्शन हुआ वो परफेक्ट में हो जाएगा. ही हैड वॉक्ड हाफ माइल अप हिल. उसके बाद कंडीशन क्या थी मौसम की, जनाब कंडीशन क्या थी?
जी द वेदर वाज